इस बार आप सभी लोग इस बात के गवाह हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि इस बार मतलब अब तक के सबसे ट्रांसपेरेंट वे में, सबसे ज्यादा शफाफियत के साथ हम लोग इस सारे प्रोसेस को लगभग 6,000 से ज्यादा दर्शकों के आगे इस कुर्रांदाजी को हम अंजाम दे रहे हैं। हम कुर्रांदाजी की तारीख के बारे में आपको बताते चलें कि सबसे पहले कुर्रा हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए कब हुआ था। तो जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके हिसाब से फर्स्ट कुर्रा जो हुआ था वो 1975 में हुआ था, जब शिप के जरिए हमारे हुज्जाजे कराम इंडिया से जाते थे। और ये प्रोसेस जो पानी के जहाज जिसको हम बोलते हैं, शिप के जरिए जो हमारे हुज्जाज जाते थे, वो 1994 हमारे साथ इस वक्त पूरे भारत से, भारत के कोने कोने से 5,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे इस जो है ऐतिहासिक क्षण के गवाह रहेंगे। और वो देख रहे हैं कि हम लोग कितने ट्रांसपेरेंसी के साथ, कितने शफाफियत के साथ जो है इस कुर्रा को हम लोग अंजाम दे रहे हैं इस वक्त। और अभी हमारे साथ जो है, हमारे इस पूरे प्रोसेस के जो गिर के लीडरशिप में हम हज 2024 भी अंजाम दिए और 2025 भी अंजाम देने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि अभी हमारे कमर साहब ने बताया कि 2024 कितना कामयाबी ढंग के साथ हम लोगों ने उसको अंजाम दिया था, तो उसी प्रकार बल्कि उससे बेहतर अंदाज में इस बार इंशाल्लाह फिर हम अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी हज जनाब CBS बख्शी साहब के जो है लीडरशिप में इस बार का भी जो है एक मिसाली हज होगा। वो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साथियों, हज 2025 में जिन लोगों ने एप्लीकेशन की थी, उसमें से कुछ 1,22,000 के करीब करीब लोगों को कल खुशखबरी मिल चुकी है। जो कल कुर्रा हुआ, उसके अंदर कुछ डेटा आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि 1,70,000 के करीब करीब रजिस्ट्रेशन हुआ वेबसाइट पर, और एप्लीकेशन जो आई है 1,52,000 के करीब, उसमें से 1,22,000 के करीब करीब लोगों को सिलेक्शन किया गया कुर्रा के ज़रिए। अब कुर्रा क्या होता है, कुर्रा किस तरह किया जाता है, आपने कल हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर लाइव देखा होगा। और तकरीबन 1,10,000 के करीब करीब लोग ये कुर्रा की प्रोसेस ऑनलाइन देख चुके हैं हज कमेटी की वेबसाइट पर। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है, उसको आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ उसका लोगों के साथ, आपको पहचानने में आसानी हो। और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हज की आती रहेगी और हज के बारे में बहुत सारी चीज़ें इस पर बता भी दी गई है पिछली वीडियो, पिछले साल की, तो उसको भी आप देखते रहें। दूसरी चीज़, कल 7 अक्टूबर 2024 को सुबह 11:30 बजे कुर्रा की अनाउंसमेंट हुई थी दिल्ली की हज कमेटी ऑफ इंडिया की ब्रांच ऑफिस, वहाँ से ये सारी प्रोग्राम किया गया। और इस प्रोग्राम में शामिल हज कमेटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान थे, जिसमें जो हज मिनिस्ट्री है, जो हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो किरण रिजिजू साहब उनकी मातहती में ही इस कुर्रा को अंजाम दिया गया और पूरा टोटली कंप्यूटराइज किया गया। कंप्यूटर से रेंडमली सिलेक्शन हुई और जिसकी पूरी प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे, जिसके अंदर बख्शी साहब मौजूद थे, जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के, उसके बाद अंकुर यादव साहब हैं हज अंडर डेप्यूटी सेक्रेटरी है, और मोहम्मद नदीम साहब अंडर सेक्रेटरी हर डिवीज़न, ये भी शामिल थे आप तस्वीरों में जिनको देख रहे हैं। उसके बाद हमारे मोहम्मद नाजिम साहब डेप्यूटी CEO और CEO जनाब लियाकत अली आफाकी साहब मौजूद रहे, और इनके साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन जनाब AP अब्दुल्ला कुट्टी साहब, साबिक मेंबर पार्लियामेंट, वो भी शामिल हैं। आप इस वीडियो में, इस तस्वीर में उनको देख रहे हैं। तो इन सब की मौजूदगी में दीगर दूसरे भी जिम्मेदार हजरात थे, सोशल मीडिया की टीम थी और दीगर जो वेबसाइट देखती है उनकी टीम, बहुत सारे यानी जिम्मेदार वहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने ही इस कुर्रा की प्रोसेस को किया गया। और शुरुआत में जैसे ही कहा गया, पूरी चीज़ आप वीडियो में देख रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ वीडियो के ज़रिए ही कि किस तरह प्रोसेस शुरू की गई और क्या हुआ है। और वहाँ पर हज कमेटी की ड्रो की जो थोड़ी प्रोसेस है, मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आएगी इंशाल्लाह किस तरह हुआ।
For Gujarat tourism quota is 4,131, whereas the applications were received 24,484. The highest quota and applications. So the maximum applications in all over India were received in Gujarat, that is 24,484. So they are getting the access quota, maximum access quota also, because the quota, access quota is allotted on the basis of the application received. So now I request the Silver Trust team to initiate the process for selection of pilgrims from Gujarat. Randomization of selection for the state of Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Telangana and Uttarakhand. अपने हाजियों की देखभाल के लिए भेज रहे हैं. इसी बीच हमारा जो प्रोसेस है कर्नाटका के लिए वो सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीटेड. नाउ आई रिक्वेस्ट द टीम टू इनिशिएट द रैंडमाइजेशन फॉर वेट लिस्ट फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका. तो ये नॉट टोटल 870 खादिबुल हुजाज इस बार जाएंगे. और इसी बीच हम आपको बता दें कि जितना भी अभी प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता जा रहा है उसी के साथ ही साथ सारे आजमीन हैं, सारे इंटेंडिंग पिलग्रिम्स को जो है एसएमएस के थ्रू हम संदेश भी भेज रहे हैं कि किनका सिलेक्शन हुआ है और कौन वेटिंग लिस्ट में. तो इस बीच जो हमारे आजमीन हज हैं वो अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आप एसएमएस के जरिए वो हमारा मैसेज भी चेक कर सकते हैं. और साथ के साथ अपने वेबसाइट पर भी हम ये सारे जो लिस्ट है वो अपलोड करते जा रहे हैं.
जबकि जो एप्लीकेशन जो हमें मौसूल हुई है वो है 1301. तो नाउ आई रिक्वेस्ट सिल्वर टच टीम टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर रेंडमाइजेशन फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा. इस बार टोटल 65 प्लस कैटेगरी में जो टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुई हैं वो है 14,728, जबकि लेडीज विदाउट महरम जो एप्लीकेशन हमें मौसूल हुई हैं वो है 3,717. और हरियाणा प्रोसेस कंप्लीटेड, वेट लिस्ट का भी कर लें, कितने सिलेक्ट हुए हरियाणा के लिए? और वेट लिस्ट कितने? 1,277. अब हम हरियाणा से आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ. इन हिमाचल प्रदेश ओरिजिनल कोटा इज 106, वेयर एज एप्लीकेशंस रिसीव 59. सो ऑल एप्लीकेशंस एक्सेप्टेड, सारे पिलग्रिम्स हिमाचल प्रदेश को सिलेक्ट किए जाते हैं. आई रिक्वेस्ट सिल्वर टच टीम टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर हिमाचल प्रदेश. प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश कंप्लीटेड. ऑल पिलग्रिम्स All intending pilgrims from Himachal Pradesh are selected. Now we are moving towards Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir, the original quota is. एक बार हिमाचल प्रदेश चेक कर लीजिए. दूर हो सकता है, लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो जाता है. So all the pilgrims from the Himachal Pradesh are selected. Now they are moving towards Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir, the original quota is 5,963, whereas the applications are received 4,311. Hence, for Jammu and Kashmir, all pilgrims are selected. I request Silver Touch team to initiate the process for Jammu and Kashmir. हमारे साथ इस वक्त पूरे भारत से, भारत के कोने कोने से 5,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे इस जो है ऐतिहासिक क्षण के गवाह रहेंगे, और वो देख रहे हैं कि हम लोग कितने ट्रांसपेरेंसी के साथ, कितने शफाफियत के साथ जो है इस कुर्रा को हम लोग अंजाम दे रहे हैं इस वक्त. इस हमारे पूरे प्रोसेस को इस बार पूरे भारत से 5,000 से ज्यादा लोग जो है देख रहे हैं, और इस एक ऐतिहासिक क्षण के जो है गवाह बन रहे हैं संदर्भ को कभी. और अब ये हमारे साथ जो है हमारे इस पूरे प्रोसेस के जो गिरके लीडरशिप में हम हज 2024 भी अंजाम दिए और 2025 भी अंजाम देने जा रहे हैं. जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि अभी हमारे कमर साहब ने बताया कि 2024 कितना कामयाबी ढंग के साथ हम लोगों ने उसको अंजाम दिया था, तो उसी प्रकार बल्कि उससे बेहतर अंदाज में इस बार इंशाल्लाह फिर हम अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी हज जनाब CBS बख्शी साहब के जो है लीडरशिप में
इस बार का भी जो है एक मिसाली हज होगा, वो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं सर। थैंक यू। प्रोसेस कंप्लीट, कितनी स्टेट्स हो गई हैं सर? 14 स्टेट हो चुकी हो गई, 14। सो ऑल द पिलग्रिम्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, दे आर सिलेक्टेड। नाउ वी आर मूविंग द नेक्स्ट स्टेट, झारखंड। झारखंड में जो है टोटल ओरिजिनल कोटा है 3,387, जबकि हमें जो हज एप्लीकेशन फॉर्म जो मिली है झारखंड में वो है 1,419। स्वामी जी से मैं कहूंगा, स्वामी जी आपको ये प्रोसेस इनिशिएट कीजिए झारखंड के लिए, और झारखंड प्रोसेस स्टार्ट। प्रोसेस फॉर झारखंड स्टेट कंप्लीटेड, ऑल पिलग्रिम्स फ्रॉम झारखंड आर सिलेक्टेड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कर्नाटका। इन कर्नाटका ओरिजिनल कोटा इज 5,577, वेयर इज द एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 11,007। सो नाउ आई रिक्वेस्ट द सिल्वर डस्ट टीम काइंडली इनिशिएट द पूरा प्रोसेस फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका। प्रिंसिपल साहब कुर्रा के हम लोग बात कर रहे थे, उसमें जैसे मैंने पहले ही बताया था 65 प्लस एज कैटेगरी के जितने लोग हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्टेड हैं। उसके बाद लेडीज विदाउट महरम, लेडीज विदाउट महरम में दो कैटेगरी है, एक 65 प्लस एंड अदर इज 45 प्लस। 65 प्लस मतलब बोथ द कैटेगरीज आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। नाउ वी आर डूइंग कुर्रा स्पेशली फॉर दिस जनरल कैटेगरी फॉर द स्टेट वेयर द application received access than quota. This time we are doing this digital randomization of selection for the state of Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Telangana and Uttarakhand. This the digital random selection is a process to select pilgrims for the Hajj pilgrimage. This process involves the careful selection of eligible applicants through a predetermined procedure. There are almost 7 steps of this process. The first step is the distribution of quota. As all of you know, this time the India is allotted the quota of 1,175,025, and the Hajj committee, out of this Hajj committee of India has been allotted the quota of 70%, that is 1,22,518, and 30% quota is allotted to private tour operators. So this time, first time ever in history, we are sending one SHI, State Hajj Inspector, erstwhile Khadimul Hujjaj, in the ratio of 150 पे एक Khadimul Hujjaj, यानी State Hajj Inspector हम लोग इस बार भेज रहे हैं, और इसके लिए मैं अपने Joint Secretary बख्शी सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी कोशिशों का यह नतीजा है कि जो हम इस बार इतने बड़े रेशियो में, इतनी बड़ी तादाद में हम लोग खादिमुल हुज्जाज अपने हाजियों की देखभाल के लिए भेज रहे हैं। इसी बीच हमारा जो प्रोसेस है कर्नाटका के लिए वो सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीटेड। नाउ आई रिक्वेस्ट द टीम टू इनिशिएट द रैंडमाइजेशन फॉर वेट लिस्ट फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो इस बार टोटल 870 खादिमुल हुज्जाज इस बार जाएंगे। और इसी बीच हम आपको बता दें कि जितना भी अभी प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता जा रहा है उसी के साथ ही साथ सारे आजमीन हज, सारे इंटेंडिंग पिलग्रिम्स को जो है SMS के थ्रू हम संदेश भी भेज रहे हैं कि किन का सिलेक्शन हुआ है और कौन वेटिंग लिस्ट में। तो इस बीच जो हमारे आजमीन हज है वो अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आप SMS के जरिए वो हमारा मैसेज भी चेक कर सकते हैं, और साथ के साथ अपने वेबसाइट पर भी हम ये सारे जो लिस्ट है वो अपलोड करते जा रहे हैं।
इस बार आप सभी लोग इस बात के गवाह हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि इस बार मतलब अब तक के सबसे ट्रांसपेरेंट वे में, सबसे ज्यादा शफाफियत के साथ हम लोग इस सारे प्रोसेस को लगभग 6000 से ज्यादा दर्शकों के आगे इस पूरा अंदाजी को हम अंजाम दे रहे हैं। तो हम लोग प्रोसेस ऑफ जो है डीआरएस की बात कर रहे थे, तो पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटर टू द स्टेट हज कमिटी ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट स्टेप इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटा टू द स्टेट्स। इसी बीच कर्नाटक का जो है सिलेक्शन और वेट लिस्टिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है। मैं सौम्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो जरा एक बार अनाउंस कर दें कितना सिलेक्शन और कितने वेट लिस्ट में कर्नाटक के लिए। कर्नाटक 8697 सिलेक्टेड वीडियोस एंड वेटिंग लिस्ट इज 2310। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सदर्न मोस्ट स्टेट्स केरला। फॉर केरला द ओरिजिनल कोटा इज 6270, वेयर एज द एप्लीकेशंस रिसीव 20636। Means the access applications are nearly about 14,366. So now I request the Silver Trust team kindly initiate the process of selection for the state of Kerala. So the distribution of quota to the state is on the basis of the Muslim population of the each state. So this is the step two. So all the applicants under the 65 plus along with the LWM and 65 plus LWM and 45 plus LWM categories will be deducted from their state quota first. The remaining quota will be considered for the general category. The states receive less applications than their quota, all applicants will be selected. If the state receive more application than their quota, the selection will be made through the DRS process. Even within the state, the quota is further distributed district wise. And the fourth step is waiting list quota. So all applications in excess of the state quota are considered waiting list quota. And any seats left in DRS will also be considered on the waiting list. It is an automated process. Selected pilgrims हैं, उन सभी को SMS के थ्रू हम संदेश भेज रहे हैं कि उनका सिलेक्शन या उनका चयन हो गया है, और जो वेटिंग लिस्ट हैं उनके लिए भी हम संदेश भेज रहे हैं कि वो वेटिंग लिस्ट में वो किस नंबर पे हैं। हम पूरा अंदाजी की तारीख के बारे में आपको बताते चलें कि सबसे पहले पूरा हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए कब हुआ था। तो जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके हिसाब से फर्स्ट पूरा जो हुआ था वो 1975 में हुआ था, जब शिप के जरिए हमारे हुज्जाज कराम इंडिया से जाते थे। और ये प्रोसेस जो पानी के जहाज जिसको हम बोलते हैं, शिप के जरिए जो हमारे हुज्जाज जाते थे, वो 1994 तक यही सेम प्रक्रिया रही है। 1995 से फ्रॉम द 1995 जो है ये एयर बाई एयर हमारे हुज्जाज कराम जाना शुरू किए। और जो हमको जो कोटा, जो हिंदुस्तान को जो कोटा मिला हुआ है, वो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस, जिसमें यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 17.5 करोड़ है, जिसके बिना पे यानी हमको 1,75,025 का कोटा मिला हुआ है, यानी 1,000 पे ये 1,000 पॉपुलेशन पे एक हाजी है। तो उस हिसाब से यानी 17.5 करोड़ ऑन द बेसिस ऑफ 17.5 करोड़ द कोटा इज डिसाइडेड अराउंड 1.75 लाख फॉर इंडिया। तो रैंडमाइजेशन दोनों हो गया। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सभी नाजरीन से, जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, कि सिलेक्शन और वेटिंग का जो भी मैसेजेस है, ये हम साथ के साथ जो है हुज्जाज कराम को थ्रू SMS हम भेज रहे हैं, और ये सारी चीजें
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रियल टाइम में अपलोड करें, बट ऑल द जो है अपलोडिंग है यो बाई एज सून एज दिस प्रोसेस इज ओवर विल बी अपलोडेड ऑन आवर वेबसाइट. नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज यूटी इज दादरा एंड नगर हवेली. दादरा एंड नगर हवेली ओरिजिनल कोटा इज 9, वेयर एज एप्लीकेशन रिसीव इज 42. तो नाउ आई रिक्वेस्ट सिल्वर टचिंग टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर दादरा एंड नगर हवेली. The process for the Dadra and Nagar Haveli is completed. All pilgrims selected from Dadra and Nagar Haveli. Next UT is Daman and Diu. Daman and Diu, original quota is 14, whereas applications were received 27. I request Silver Touch team to initiate the process for Daman and Diu. Daman and Diu process completed. All pilgrims selected from Daman and Diu. Next is coming Delhi. Delhi here Kurra will be done. The original quota for Delhi is 1525, where applications were received 3557. I request Silver Touch team to initiate the process of Kurra for Delhi. How much selected? 2690. And how many are in waiting list? दिल्ली वेटिंग लिस्ट 867 एंड टोटल सिलेक्शन इज 2690. सो कुर्रा फॉर दिल्ली इज आल्सो कंप्लीटेड. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेट दैट इज गोवा. गोवा ओरिजिनल कोटा इज 86, वेयर हैज एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड 97. सो इट इज less than 500 application received in Goa. So all pilgrims from Goa selected. Now I request Tilvatas to initiate the process. The process for selection of Goan pilgrims are completed. All are selected. Now we are moving to the next state, that is Gujarat. In Gujarat, the original quota is 4131. For Gujarat, the original quota is 4131, whereas the applications were received 24,484. The highest quota application. So so the maximum applications in all over India were received in Gujarat, that is 24,484. So they are getting the access quota, maximum access quota also, because the quota, access quota is allotted on the basis of the application received. So now I request the Silver Touch team to initiate the process for selection of pilgrims from Gujarat. Kurra ki process jo hai subah 11:30 baje se shuru hui, takriban 3 baje ke kareeb khatam ho chuki thi. लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं जिस पर थोड़ा वक्त मांग लिया गया, आधा घंटा भी हो गया, किसी के अंदर 40 मिनट गई, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, ऐसे स्टेट जहां पर ज़्यादा एप्लीकेशन थी और सिलेक्शन करने थे तो कंप्यूटर में थोड़ा वक्त लगा, वरना बहुत सारी स्टेट ऐसे थे जो एक एक मिनट में भी हमने देखे हैं कि कम्प्लीट किए गए, पूरा कंप्यूटराइज था. तो जितने लोग हज 2025 में सिलेक्ट हुए उनको फ़ौरन ही उसी वक्त, क्योंकि फ़ौरन ही जैसे ही सिलेक्शन हुआ के मैसेज हाजियों को मिलना शुरू हो गए थे कॉन्ग्रेचुलेशन के वेबसाइट के कवर नंबर के साथ, और फौरन ही हाजियों को हज कमेटी की वेबसाइट पर पीडीएफ फाइल बनाकर भी अपलोड कर दी गई थी. तो जितने भी सिलेक्शन हुए हैं 1,21,200 के करीब करीब जो लोग हैं उनको मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ. अल्लाह ताला ने आपको हज 2025 के लिए कबूल किया है, बस एक ज़रिया है हज कमेटी, वरना कबूलियत अल्लाह की तरफ से आई है. तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं, और जो लोग वेटिंग में गए हैं
उनके लिए मैं कहूँगा कि मायूसी नहीं होना चाहिए, अल्लाह की तरफ आप भी रुजू रहें, अल्लाह की तरफ आप भी मांगते रहें। जब अल्लाह ताला कुछ निज़ाम बनाएगा तो किसी की मजाल और किसी की हिम्मत नहीं कि आपको रोक सकें मक्का मदीना और हज में पहुँचने के लिए, इसलिए अल्लाह ताला सारा निज़ाम बनाएंगे, इसलिए आप भी मायूस ना हो। मुझे एक मस्तूरात ने मुझे फ़ोन किया और सुबह से 3-4 कॉल आ गए, पूरी कॉल में रोना ही रोना सुनाई दे रहा है कि मैं वेटिंग में चली गई हूँ और मेरा 6-7 हज़ार वेटिंग है। तो उनकी बहुत सारी कंप्लेंट थी तो मैंने सुन ली पूरी कि आप ले डेट बढ़ाते गए, हालांकि मैं कुछ बढ़ा नहीं रहा हूँ, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बढ़ा रही है, वो मुझे ही ब्लेम कर रही थी बेचारी क्योंकि गुस्से के मारे होगा। तो मैं उन लोगों से भी कहूँगा मायूस ना हो जिनका नहीं नंबर लगा है, बस अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह ताला निज़ाम बनाएगा, जब असबाब वो पैदा करेगा तो किसी की ताकत और मजाल नहीं कि आपको रोक सकें। तो अल्लाह ताला से आप अच्छे निज़ाम की और आपके भी हज में पहुंचने की 2025 में अल्लाह से आप मांगते रहें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या ऐसे स्टेट्स जहाँ का कोटा ज़्यादा है एप्लीकेशन कम आई तो उनका जो सीट खाली पड़ रही है वो हमें मिल जाएगी। महाराष्ट्र वाले पूछ रहे हैं, तमिलनाडु वाले पूछ रहे हैं, गुजरात वाले पूछ रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आपको बता दूं कि कल जब कुर्रा हुआ तो उसी में वो सीट आपको दे दी गई है ये स्टेट को। जैसे कि ओरिजिनल कोटा महाराष्ट्र का 9,165 बता रहा है और 17,412 सिलेक्शन कर लिए गए, तो इनको भी 9,000 के करीब इनको 8,000 ज़्यादा सीट मिल गई। और गुजरात 4,131 का ओरिजिनल कोटा है, उनको 15,000 दे दिए गए, तो इनके ऊपर भी इनको भी 8-9 हज़ार के करीब, 9,000 के करीब करीब इनको भी सीट ज़्यादा मिल गई। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिनको एक्स्ट्रा सीट देकर सिलेक्शन किया गया है। तो जहाँ पर एप्लीकेशन कम आई है, कोटा ज़्यादा है, तो पहले से ही उस सीटों को दूसरे स्टेट को दे दिया गया था। अब रही बात वेटिंग लिस्ट की, आज पूरा दिन में 100 के करीब कॉल आए हैं कल से लेकर अब तक में, लोगों का पूछना है कि हमारा इतना वेटिंग है, हमारा इतना वेटिंग है और हमारा सिलेक्शन के चांस कितने हैं। तो मैं आप लोगों से बताऊं आप लोगों को कि चांस तो और हम लोग अनुमान और तभी बता सकेंगे जब कुछ डेटा सामने आवे कि कितने लोगों ने एप्लीकेशन की है, कितना कैंसिलेशन है मार्केट के हिसाब से, क्योंकि वक्त ज़्यादा मिला है लोगों को तैयारी का और लोग पूरे इसके साथ तैयार है, पैसे भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं वो तो वक्त ही बताएगा, जो 21 तारीख बताई गई है। तो देखते हैं इंशाल्लाह, एक महीने तक तो इंतज़ार ही करें मैं कहूँगा जो वेटिंग में है, और वेटिंग नंबर कहाँ तक क्लियर होने की उम्मीद है कुछ वीडियो उस वक्त में बना देंगे, लेकिन अभी तो आप बस दुआ ही करें। और जो सिलेक्शन हुआ है उनके लिए सर्कुलर नंबर 8 हज कमेटी ऑफ इंडिया ने निकाल दिया है, जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, और उसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बहुत जल्द यानी आज रात को बना दूँ या कल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ये वीडियो अपलोड होने के बाद फ़ौरन ही। तो आप अपनी तैयारी करें। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक लिंक के जरिए सारे स्टेट हज कमेटी को एक लिंक दी थी और उनको वीसी के जरिए ज्वाइन किया था और पूरा लाइव देख रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया ही को इन्होंने हज की यूट्यूब चैनल पर रख दिया था और सारे लोग देख रहे थे। इस वक्त मैं 1 लाख के करीब करीब मैं कहूँगा शायद पहुँच चुके हैं जिन्होंने कुर्रा की पूरी चीज़ को आंखों देखा, यानी कि कितनी साफ सफाफी के साथ इन्होंने कुर्रा के प्रोसेस को किया है, वहाँ पर पूरे लोग इसके गवाह बने हैं जो आपने भी देखा होगा। तो सारी प्रोसेस आपने देख ली है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और जितने लोगों ने इसमें खिदमत की मेहनत की है सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत ही जल्द सर्कुलर नंबर 8 के बारे में पैसे भरने को लेकर क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए और क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, बहुत जल्द इंशाल्लाह वो वीडियो को भी हम बताने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।